हेलो, माय नेम इज़ नितिन गुप्ता एंड वेलकम टू नितिन गुप्ता क्लासेस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नितिन गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय ऑनलाइन क्लासेस इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के अंदर ही दिया गया है। मतलब वैसे तो ये अलग टॉपिक है बट इसमें कई बार आप परसेंटेज यूज होते हुए देखते हैं, इसीलिए इसको चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज के अंदर एक नया टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कई सारे फॉर्मुलेज यूज किए जाते हैं, जिन फॉर्मुलेज की वीडियो हमने आपको पहले ही दिखा दी है, पहले ही ये सब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मुलेज याद नहीं है या उनको यूज़ कैसे करना है वो तो हम बताएंगे ही, बट अगर आपको फॉर्मुलेज याद नहीं है तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक्सरसाइज डी में उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के लिए। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गेन या फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। इसके अंदर हम आपको दो एग्जाम्पल समझा देते हैं, एक बार हम आपको गेन परसेंट दिखा देते हैं, एक बार हम आपको लॉस परसेंट दिखा देते हैं। तो इसके थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल से थर्ड या फोर्थ पार्ट हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। इसकी थर्ड पार्ट में आप देख पाएंगे कि जो सीपी दिया गया है ₹50 है और जो एसपी दे रखा है वो रुपीज में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि लॉस होगा ₹42 दे रखा है। कितना दे रखा है? 42। अब आप जानते हैं कि अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, जितने में खरीदा है वो ज्यादा है, जितने में बेचा है वो कम है, तो डायरेक्टली आपको लॉस हुआ होगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपने कोई ₹10 का पेन खरीदा और वही ₹10 का पेन आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया ₹8 का, तो आपको ₹2 का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तो नुकसान का मतलब होता है लॉस, और वही लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम कैलकुलेट कर रहे हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया गया है। अगर लॉस आपको निकालना है तो सीपी में से एसपी को माइनस करिए, डिवाइड करिए सीपी के साथ जो कि है 50 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि आपको परसेंटेज में अपना आंसर कैलकुलेट करना था। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस करने पर मिलेगा 8 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये गया 2 times और 8 टू कितना होता है 16%। तो इसका मतलब है कि 16% का लॉस हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए डाउट हो सकता है। कैसे अलग है? क्वेश्चन में बोला गया था सीपी दे रखा है 46,000, ओवरहेड्स दे रखे हैं 4,000 और एसपी दे रखा है 60,000 का। तो अब ये ओवरहेड का क्या मतलब है? ओवरहेड का मतलब होता है जब किसी सामान को खरीदने के बाद आपका उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, उसे ओवरहेड कहते हैं, जिसको हम हमेशा सीपी के साथ ही जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? हमेशा सीपी के साथ उसको ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको सीपी 46,000 दिया गया है और ओवरहेड 4,000 दिया गया है, तो सबसे पहले काम होगा आपका टोटल सीपी कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? टोटल सीपी कैलकुलेट करना। शुरुआत करते हैं, 46,000 को आपको ऐड करना होगा 4,000 के साथ। तो ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा? 50,000। कितना मिल जाएगा? 50,000 का सीपी मिल चुका है, एसपी आपको 60,000 दे रखा है। कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको एसपी? ₹60,000। अब आप देख पा रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स कि खरीदा जितने में है वो कम है और बेचा जितने में है वो ज्यादा है। अब इमेजिन करिए, आपने ₹10 का पेन खरीदा, आपने उस पेन को अपने किसी फ्रेंड को ₹12 में बेच दिया, ₹12 तो ₹12 में जब आपने उसे बेचा तो उसमें आपको ₹2 का फायदा हो गया। तो यही फायदा क्या कहलाता है इंग्लिश में? या तो प्रॉफिट कहेंगे इसको आप, या फिर इसको आप गेन कह सकते हैं।
ठीक है। तो बस यही आपको कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत करते हैं, आपको डायरेक्टली क्या निकालना था, गेन परसेंट निकालना था। फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन निकालने का तरीका, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि 60,000 में से 50,000 को कर देंगे माइनस, और हमेशा नीचे क्या आती है, सीपी आती है, सीपी कितनी है 50,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों करेंगे, कि परसेंटेज में निकालना है। ये देखिए सिखाया है परसेंटेज में निकालना, तो दीजिए सिंपलीफाई, 00 से 00 कट गया, यहां आएगा माइनस करने पर 10,000, और नीचे कितना है 500, 00 से 00 और कट गया, और 5 से जब 100 को काटोगे तो आपको मिलेगा 20%। तो कितने का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ। भले ही हमने उसमें 4,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए होंगे, फिर भी हमें उसमें 20% का मुनाफा हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम गेन या लॉस परसेंट इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको डिफरेंट फॉर्मूलेज का यूज करना होगा, और आपको कैलकुलेट करना है क्या, आपको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस। आपको सीपी दे रखा है, गेन या लॉस परसेंट मिलेगा, आपको एसपी कैलकुलेट करना है। पहले हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे एंड देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पहले एसपी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो एसपी का फॉर्मूला लिख रहे हैं गेन वाले के लिए, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई करते हैं इसका सीपी के साथ। और अगर लॉस परसेंट होता तो यहीं पर माइनस करके क्या आ जाता, लॉस परसेंट आ जाता। और अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये याद आएगा कि ये फॉर्मूला कुछ लगभग सिमिलर है इंक्रीज वैल्यू से, जिसके साथ इंक्रीज वैल्यू से, इंक्रीज वैल्यू होगा तो प्लस होता है और डिक्रीज वैल्यू होता है तो माइनस होता है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट। जी का क्या मतलब है, गेन परसेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यूज दे रखी हैं, सीपी की वैल्यू है 620 और गेन परसेंट की वैल्यू है 12%। पुट कर दीजिए, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 12 अपॉन 100, ये आ गया गेन परसेंट, और मल्टीप्लाई कर रहे थे इसका 620 के साथ, 620 के साथ कर दीजिए सॉल्व। 0 से 0 कट चुका है, ये हो जाएगा 112 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 62। आप यहाँ पर डिवाइड मत करिएगा, इसको सिंप्लीफाई मत करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने का पहला फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम डायरेक्टली उसके अंदर डेसिमल यूज कर पाएंगे। तो देखिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ आएगा 6944, कितना आएगा 6944, और जब आप नीचे 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ आ गया पॉइंट, और रुपीज में आपका आंसर कितना हो गया 694.40, 694.40 आपका आंसर आ चुका है एसपी के लिए, जब आपको सीपी और गेन परसेंट दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको अब सीपी कैलकुलेट करना है और आपको एसपी और लॉस परसेंट दिया गया है। अब हम गेन परसेंट के क्वेश्चन समझा चुके हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं वो लॉस परसेंट के लिए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड पार्ट की, जहाँ आपको सीपी निकालना है, एसपी और लॉस परसेंट दिया गया है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये लॉस परसेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं एसपी के साथ। चलिए पुट करेंगे वैल्यू सीपी के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर लॉस परसेंट दिया गया है 10 और एसपी दी गई है 360। 100 अपॉन 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 360 के साथ। चलिए माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, फिर सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली आंसर आएगा इसका। तो
100 upon 90 multiplied by 360. 0 से 0, 90 टेबल से 4, और 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, 400 rupees. यूनिट लगाना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में मोस्टली दो ही तरीके की यूनिट आती है, या तो रुपीज आएगी या फिर परसेंटेज में आएगी. अगर वैल्यू परसेंटेज में पूछी गई है तो परसेंटेज आएगी, अदरवाइज अगर एसपी और सीपी पूछा गया है या लॉस और प्रॉफिट पूछा गया है तो आपकी यूनिट क्या आएगी, रुपीज आएगी. आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन समझ आ गए हैं. फॉर्मूलेज आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूलेज के आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. फॉर्मूलेज की वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं जो आपको आई बटन में मिल जाएगी. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एक लैंग्वेज सामयिक वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया था, एक अलमीरा है. अलमीरा मतलब घरों में आप अलमारी देखते हैं, वो अलमारी की जो कीमत है कितने में खरीदी शॉपकीपर ने, 850 में खरीदी है, ठीक है, और उसके ऊपर 40 रुपये उसे एक्स्ट्रा देने पड़े. कितने देने पड़े, 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अब ये क्या हुआ भाई, सुनिएगा ध्यान से. अगर आप बाजार से कुछ बड़ी चीज़ खरीदते हैं, मतलब बड़ी ऐसी चीज़ जिसको आप खुद उठा के ना ला पाओ, तो कोई और आपके घर तक छोड़ कर जाता है, रिक्शे वाला या टेम्पू वाला, तो क्या उसको आप पैसे नहीं देते? देते हैं ना, तो आपने अपने पैसे खर्च करे. तो इसका मतलब है कि जो आपने सामान खरीदा वो और जो पैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन वाले को दिए वो, ये दोनों ही मिलाकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों ही मिलाकर बन जाएंगे इस तरीके की वैल्यू, जिससे कि आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको ऐड करेंगे. क्वेश्चन में कहा था कि शॉपकीपर ने एक अलमारी खरीदी 850 रुपये की, 40 रुपये दिए उसने ट्रांसपोर्टेशन को, उसके बाद उसने उसे 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, सेलिंग प्राइस निकालनी है. तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4th में आपको जितने में खरीदी थी मतलब आपको सीपी दिया गया है 850, जिसमें 40 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो टोटल सीपी निकालेंगे. क्या निकालेंगे, टोटल सीपी निकालने का मतलब है कि आप 850 के अंदर 40 को ऐड करवा देंगे, कितना आ जाएगा, ₹890. हमने यहाँ वाला क्वेश्चन दिखा दिया होगा आपको, ओवरहेड में क्या किया था, ओवरहेड के अंदर हमने सीपी में उसको ऐड करवा दिया था, यहाँ पर भी सीपी में ऐड हो जाएगा 40 rupees, आंसर आ गया 890. गेन परसेंट दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, गेन परसेंट कितना, 10% का. आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है. ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है फॉर्मूला, गेन परसेंट दे रखा है, सीपी दे रखा है, एसपी निकालना है, पुट कर दीजिए ये फॉर्मूला. एसपी निकालने के लिए 10 आ जाएगा यहां पर, 100 plus 10 upon 100 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सीपी के साथ, जो कितनी है 890. देखिए यहां पर कराना सीपी को, ये रहा यहां से, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. 110 मल्टीप्लाई 890 डिवाइडेड बाय 100, 10 इससे कटा, 10 इससे कटा, बस सिंपल सा है. इनको मल्टीप्लाई करिए 89 से और अपना आंसर लिख दीजिए, तो यह आंसर आ जाएगा 979 rupees. तो अब उस शॉपकीपर ने 850 की अलमारी खरीदी थी, 40 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में दिए, जिसके बाद उसे टोटल कितने की पड़ी, 890 rupees की पड़ी, जिस पर 10% का प्रॉफिट करने पर उन्होंने उसको 879 rupees में बेच दिया. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझाया जाता है. ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज दी जाएंगी, फॉर्मूलेज याद करिए, पुट करिए, और एक सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा. बिना फॉर्मूलेज के आप ना तो आप कुछ कर पाएंगे, ना ही हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे. तो इसीलिए फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करिए. फॉर्मूलेज की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं जो आपको आई बटन में, इस वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा, आप हमारी वीडियो का जो नाम है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहां से आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे. तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम किसी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और डिस्कस करेंगे, कई सारे और एग्जाम्पल्स देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे.
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपके लिए कई ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं क्लास सेवन के स्टूडेंट्स के लिए। मोस्टली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल नितिन गुप्ता क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट नितिन गुप्ता क्लासेस। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट nitingupta_classes17@gmail.com। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।